लालू यादव जी के उस जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण राज के खिलाफ संघर्ष किया है, उन सबों का के अगर वह निर्णय लालू जी के हटने का करते हैं तो हम सब वैसे व्यक्तियों का, वैसे नेताओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बिहार को बचाने के दृष्टि से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से आज शाम में मुलाकात की है और तस्वीरें भी हम आपको साझा कर रहे हैं जब दोनों नेताओं के बीच जो है वो मुलाकात जो है वो हो रही है। मुलाकात करने के बाद संजय जायसवाल जो हैं वो पटना में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर अमित शाह का जो बिहार दौरा होना है उसकी तैयारियों को लेकर मीटिंग जो है वो कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मीडिया से भी बात किया और ये बताया कि एक तरह से इशारों में साफ कर दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर चाहें तो बीजेपी के रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। देश अपने माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 25 तारीख को 11 बजे दिन में लौरिया के साहू जैन मैदान में माननीय गृह मंत्री जी का संबोधन होगा और उसके पश्चात वहाँ वह नंदनगढ़, जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ अपने राष्ट्रीय वस्त्र त्याग करके और बुद्ध के खोज में, ज्ञान की खोज में निकले थे, उस बौद्ध स्तूप का माननीय गृह मंत्री जी दर्शन करेंगे और उसके पश्चात पटना में 2 बजे से स्वामी सहजानंद जी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह स्वामी सहजानंद जी की पहचान बिहार में तो है ही, पर भारत में जिस लड़ाई उन्होंने मजदूर और किसानों के लिए लड़ा था, वह कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की भारत की जनता को अवश्य जानना चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी का स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के इस कार्यक्रम में आना बिहार के लिए गर्व की भी बात है और यह एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग राह चुनी है सर, अभी आपने मुलाकात की है, क्या इसके मायने निकाले जाए? कोई मायने नहीं है, एक शिष्टाचार मुलाकात है। कल मुझे पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, तो मैंने उनको बधाई दिया कि राजनीति में कोई इस तरह की उच्च सोच बहुत कम हो गई है। अब तो लोग सरकार बदल लेते हैं और जनता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने राज्यपाल के द्वारा नामित होने के बावजूद स्वयं अपने मर्जी से इस्तीफा दिया था, इसलिए कल मैंने उनको बधाई दिया और आज एक शिष्टाचार उन्होंने आमंत्रित किया था, तो मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने गया था, इससे ज़्यादा के कोई मायने नहीं। एक अच्छी बातचीत हुई और मैं तो लगातार ही कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़ करके 1990 से 2005 के बीच में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है वह किसी हालत में फिर से लालू यादव जी की गोद में नहीं जा सकते हैं, और अगर उस तरह का कोई भी माननीय नेतागण इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो जाहिर बात है कि यह एक बहुत ही उचित है, बिहार को बचाने के दृष्टिकोण से कदम है और बिहार का भविष्य सुखमय रहे, पुनः वह 1990 से 2005 के अंधकार के गर्त में नहीं गिर जाए, इसको बचाने के लिए जो भी नेता आगे आ रहे हैं उनको साधुवाद है। मंत्री पूरे इस घटनाक्रम पे बोलते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कोई हमारे यहाँ हत्याएं हो जाती हैं बिहार में, वो कहते हैं मुझको नहीं पता है। बिहार में जो भी घटना घटी हो, आप माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार बयान देखिए, हर चीज़ में कहते हैं कि उनको नहीं पता, उनको आजकल कुछ भी नहीं पता। उनको तो यह भी नहीं पता है कि वह कहते हैं कि 2025 में मैं तेजस्वी जी को सत्ता सौंपूंगा, यह हमारे उम्मीदवार होंगे, पर उनको यह भी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, 2025 की बात 2025 में देखेंगे। उनको यह भी नहीं पता है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी जी हैं वह कहते हैं कि 2030 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जी रहेंगे। तो जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसको बिहार में दूसरी किसी घटना के बारे में कहां से पता लगेगा? ठगे जाएंगे जो लोग हैं, चाहते हैं कि आने वाले समय में सत्ता मिले, ठगे जाएंगे।
कोई सत्ता नहीं मिले। नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति हैं और वह हमेशा चिपके ही रहना चाहते हैं, लेकिन 2025 में बिहार की जनता उनको हर हालत में बेदखल कर देगी। बिहार की जनता ने तो 2020 के जनवरी में ही अपना मैंडेट दिखाया था, जब वह गांधी मैदान में 1.5 लाख की रैली जदयू कार्यकर्ताओं की कर रहे थे और 10,000 लोग भी नहीं पहुँचे थे, उसी समय हम सबको आ गया था। और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के कृपा से वह 43 सीट जीते थे, 2025 में जनता उनको खुद ही बेदखल कर देगी। महागठबंधन दावा कर रहा है कि पूर्णिया में जो रंगभूमि मैदान, अच्छी बात है, रैली में कोई आते हैं कि संसाधन है, सरकार के अपने साधन होते हैं, उससे रैली में कोई भी कितने भी व्यक्ति आए, यह 5 लाख आए 10 लाख आए यह कोई मैटर नहीं करता है। पर बिहार की जनता इस बात के लिए कृत संकल्प है कि वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनाए रखेगी, जिससे जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं, किसानों के कल्याण की योजनाएं, दलितों के कल्याण की योजनाएं चल रही है, वो सब लगातार चलती है। कोई ऐसा, देखिए ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। जब मैंने देखा उनको कि विधान परिषद से वह इस्तीफा दिए हैं, तो जाहिर बात है मैं उनको फोन करके उनको बधाई दिया, उन्होंने आमंत्रित किया तो मैं उनके यहाँ जा कर के और उनको घर पे जाके बधाई दिया, इससे ज़्यादा इसका कोई मायने नहीं है। 25 तारीख नहीं नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जब जगदीशपुर में हम लोगों ने 2 लाख लोगों की भी सभा की थी तो आपका यही प्रश्न आता था नीतीश कुमार जी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो भाई भाजपा का कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के ही लोग रहते हैं, या कोई एनडीए की कोई बैठक नहीं। और स्वामी सहजानंद जी का जो कार्यक्रम है यह विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें जो भी प्रमुख नेता हैं वो रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, यह बिल्कुल क्लियर। बिहार में आप सीएम नीतीश के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पर चल पड़े, तो नहीं लगता है आपको बल मिलेगा? बल की कोई बात नहीं है, लेकिन हम पिछले 6 महीनों से इस बात को मैं आप सभी के सामने भी और सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूँ कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में लालू यादव जी के उस जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण राज के खिलाफ संघर्ष किया है, उन सबों का के अगर वह निर्णय लालू जी के हटने का करते हैं तो हम सब वैसे व्यक्तियों का, वैसे नेताओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बिहार को बचाने के दृष्टि से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुना आपने संजय जायसवाल किस तरीके से ये इशारा कर रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं तो बीजेपी भी जो है वो नीतीश के खिलाफ पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में करती है, और अगर दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त बन जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।